हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेम सिंह चौहान है और आज हम बात करेंगे डबल्स गेम के बारे में। डबल्स खेलते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, चाहे वो जूनियर लेवल के प्लेयर्स हों, चाहे मेंबर्स हों, जो कोई भी हो, वो ये ध्यान रखें कि डबल्स में शटल आपको ज़्यादा ऊपर नहीं देनी, लिफ्ट नहीं करना होता है डबल्स में। या तो शटल पैनल खेलनी है, आपको ड्राइव मारना है, नेट पर रखने की कोशिश करनी है, लिफ्ट से बचना है, क्योंकि जब हम लिफ्ट करते हैं तो अपोनेंट के पास अटैक जाता है और उससे हमें डिफेंसिव गेम खेलना पड़ता है। तो डबल्स में डिफेंस ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप लोग अपोनेंट को लिफ्ट ज़्यादा ना करेंगे। तो हम अभी बात करेंगे कि कैसे क्या स्ट्रोक्स खेल सकते हैं कि हमें लिफ्ट करने से बचेंगे, वो भी अपन और आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ड्राइव की। डबल्स में ड्राइव बहुत इफेक्टिव रहता है। इससे क्या होता है कि अपोनेंट स्मैश नहीं मार पाता है आप पे और नेट पर भी नहीं ब्लॉक करने में भी दिक्कत आई है। तो अपन देखते हैं ड्राइव कैसे करें। तो दोस्तों, आपने देखा ड्राइव के बाद और एक स्ट्रोक है, जब हमें शटल बैक गैलरी में मिलती है तो जनरली प्लेयर्स या तो बैक गैलरी से स्मैश मारते हैं या वो वापस टॉस मार देते हैं। तो अपने को ये करना है कि उस टॉस की वजह हम सेंटर ड्रॉप मार सकते हैं या ड्रॉप मार सकते हैं। जनरली एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये होती है कि सब जने एम नेट पे करते हैं ड्रॉप का, जबकि डबल्स में एम आपको शॉर्ट सर्विस लाइन तक का करना है, जिससे कि शटल आपकी नेट में जाने के चांस कम हो जाएंगे। दूसरा, अपने भी उसको नेट में टेंशन नहीं रख पाएंगे, उनको दिक्कत आएगी। तो मैं आपको सेंटर ड्रॉप मार के बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं सेंटर ड्रॉप या डबल्स में ड्रॉप हमें लंबा ही मारना है, एकदम एम नेट ही होगा, शॉर्ट सर्विस लाइन एम रखनी है, जिससे कि शटल नेट में जाने के और आप आराम से इफेक्टिवली अपोनेंट को डिफेंड करा सकते हैं। तो ये इसका लंबा ड्रॉप मारने आता है। और ज़्यादातर जनरली लोग मिस्टेक करते हैं, या आप देखेंगे कई सारे अच्छे प्लेयर्स भी मिस्टेक करते हैं जब वो नेट पर खेल रहे होते हैं। नेट पर जब अपोनेंट डबल्स में एक अपोनेंट आगे खड़ा होता है आपका और आप उनको नेट के नज़दीक ही देते हैं शटल, तो वहाँ से वो अटैक टैप मार सकते हैं, वहाँ पर ड्रिबल कर सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए अपने को ये करना है कि जो सामने आपका अपोनेंट आगे खड़ा है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आगे ही खेलना है, तो अगर आप लिफ्ट नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, उस शटल को थोड़ा सा प्लेस दूर करना है, ऐसे मारना है। ये शटल जब आप दूर मारेंगे और तेज मारेंगे तो अपोनेंट इसको टैप भी नहीं कर पाएंगे और आपकी शटल आप अपोनेंट पे प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये चीज़ें करने से आपको डबल्स से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, तो आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है। आप चाहें तो जब भी मैच गेम खेलें उसी समय इन टेक्निक को आपको फॉलो करना है। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझसे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं मेरी तरफ से और कोशिश करूंगा कि मैं आपको गाइड कर सकूं।